मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी, मुझे किस चेयर पर बैठना मैं ये पूछना चाह रहा था और मुझे क्यों निकाल मुझे बर्खास्त किया गया उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूं। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी, इसके बीच में धारीवाल जी ने बोलना शुरू किया। मैं धारीवाल जी को कहा साहब मैं बोलना चाह रहा हूं, मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है और महिलाओं के इशू पर बर्खास्त किया गया। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई, दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई मेरे क्षेत्र में। हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था, मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था, मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ, मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 MLA लाके दिए, 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी, आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया, राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार आपकी हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे, हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है, हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया और उसके बाद आज वो मेरे ऊपर चार लगा रहे कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई, मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घेंस के बाहर निकाला, मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था, हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस MLA को राज्यसभा में आपने निर्दलियों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी डायरी इनसे मेरे से अमीन खान ने, रफीक ने, कितने दिन के लिए निकाला अब मुझे पता ही नहीं, मुझे तो मार्शल ने नहीं निकाला, इन सारे लोगों ने मुझे अब कौन से मंत्री शामिल थे कार्रवाई भी कर सकती है, मुझे कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। देखिए जेल जाने के लिए मेरे झूठे मुकदमे लगाए गए, मैंने तो एक महिला की 2 बेटियों की शादी थी, मेरी जेब से 3,84,000 रुपए मैंने दे के उसकी बच्ची की शादी कराई और ये मुझे मेरे मुकदमे लगाया मेरे अपहरण का। मैं इनका मंत्री था तो मुझे गिरफ्तार कर लेते, अभी भी मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं इनका वेलकम करता हूँ। इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो ये मुझे गिरफ्तार करे, राजस्थान की जनता, राजस्थान की सड़कों पर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा 2023 के दिसंबर में। बुरा जी, इतना सब कुछ आपके साथ हुआ तो आप लाल डायरी के जो तथ्य हैं वो आप छुपा क्यों रहे हैं? देखिए, मैं किसी मेरी डायरी में टेबल करना चाह रहा था, मैं टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष के सामने, मुझे टेबल नहीं करने दी गई डायरी। तो आप आज मीडिया के सामने टेबल कर सकते हैं उसको? देखिए, मैं मीडिया के सामने क्या टेबल करूंगा, मैं पूछना चाहता था इस डायरी पर यदि जांच करवा दे तो मैं डायरी उनको दे के और टेबल कर रहा था। मैं तो डायरी को मेरे से छीनी क्यों गई वो डायरी, मैं तो अध्यक्ष जी को टेबल करना चाह रहा था। जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ लात घूसे मारे, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया, कम से कम 25 से 30 लोग मेरे ऊपर पड़ गए एक साथ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था।
मेरा दम घुट गया था इन लोगों ने, ये भी छीन लेंगे आपसे फिर, मेरे छीन लेंगे तो मैं लड़ूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा। आप मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, कंधे तो मीडिया को दिखाइए ना आप क्या है इस गंगा डायरी का। देखिए वो उनसे पूछो, वो डायरी उन्होंने मेरे से क्यों छीन ली, वो डायरी छीनना नैतिक था क्या? इसमें क्या है वो बता दीजिए, वो मैं बता दूंगा अभी, टाइम बहुत बड़ा, जनता में जाऊंगा, कौन कौन से नाम पास आऊंगा, कौन कौन से नाम है इसमें, कौन कौन से, एक तो नाम आप बताना चाहेंगे, एक तो नाम बताना चाहेंगे। अरे अशोक जी गहलोत के थ्रू है, अशोक जी गहलोत है, और कौन है, फाइनेंस वो है, होम वो है, सीएम वो है, सारा सिस्टम उनके पास है, बाकी क्या है, बाकी तो ये सारे लिखी किसने थी, लिखी किसने थी, धर्मेंद्र राठौड़, धर्मेंद्र जी राठौड़ ने लिखी है, पता है सबको। नौवीं मंजिल पे मुझे बलि का बकरा जाके बोले गुड्डा तू ये डायरी नहीं लेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं राजस्थान की, मैं राव शेखा का वंशज हूँ, हमारी तीन पीढ़ियां एक साथ कट गई थी रणावता में महिला के सम्मान के लिए, मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। हमारी माता बहनों ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है, या भड़वागिरी करने के लिए नहीं भेजा, मुझे भेजा तो यहाँ महिलाओं के साथ उसकी अस्मत के साथ सौदा करने के लिए नहीं भेजा। मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का डीएनए कराओ, राजेंद्र गुड्डा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो, नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है, इनके पास सत्ता है इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। राजेंद्र जी अब हमने देखा आपको अंदर जो सुरक्षा कर्मी है वो जाने नहीं दे रहे, नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने, तो अब आप जा नहीं पाएंगे, अब आपका क्या अगला कदम है? देखिए इसमें मैं लड़ाई लड़ूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, तो हो सके जहां जा इस ये लड़ाई मेरे, मुझे कहा गया कि तू माफी मांग ले, मैंने कहा क्या कहा आपको माफी मांग ले, मुझे रंधावा जी तो आपके चैनल के थ्रू कह रहे माफी मांग ले, बाकी ओमदारी कोर्ट ओपदारी कोर्ट सारे लोग कह रहे माफी मांग ले, क्या गलती की है मैंने? एक मेरा सवाल है गुड़ा जी, आपने इतना कुछ बोला, आपसे ज्यादा तो सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आ गए थे, लेकिन वो अभी अंदर हैं, आप बाहर हो। देखिए मैं उसे कुछ नहीं बोलना चाहता, राजेंद्र गुड्डा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में बैक नहीं हूंगा, चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। राजेंद्र जी दो बात है, एक तो जो पांच विधायक है जोगेंद्र रवाना, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, ये आपके साथ के थे, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो 20-30-40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया, मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था, और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मंत्रियों ने आपके लात घोसे मारे, कौन से मंत्री थे जिन्होंने लात मारी? कौन कौन से मंत्री? धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, वो तो मैं अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या लात? नहीं, नीचे पटक लिया था क्या? नीचे जमीन पर पटक लिया था। अच्छा, ये भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं अब आपको बीएसपी से टिकट नहीं देंगे, मुझे यार मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे मेरे भाई, राजेंद्र गुड्डा किस फेस पर वोट पड़ते हैं, कहाँ है बीएसपी? राजेंद्र गुड्डा मेरे पास दूसरी भी है, और वो पार्ट तो टेलर था, अंदर जो है वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है भी। लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? लाल डायरी सामने आती है, लाल डायरी से क्यों डर रहे थे? उन्होंने मेरे से क्यों छूना, क्यों मुझे नीचे पटका, क्यों मेरे से छीन के ले गए हो? ये सामने आती है तो क्या होगा, अब आगे क्या होगा? अगर सामने ले आओगे आप मीडिया के सामने, डायरी के अंदर की दो बात बता दीजिए, दो बात तो बता दो। मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था, सामने बता दीजिए दो बात, एक दो उसमें जो मुद्दे हैं लाल डायरी के अंदर वो बता दीजिए, किसको सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो दो नंबर में हुआ, दो नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर, वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं, और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए पैसे, आया कहां, पैसा गया कहां, सब कुछ था उसमें।
ये सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? डायरी में जिनके एक दो नाम बता दीजिए, मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले, पैसे मिले उनके नाम। अब मैं बता दूंगा, मैं टेबल करना चाह रहा था उसको। टेबल लेन देन कितने का होगा डायरी में, कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख दो लाख दस बीस लाख का नहीं था, दो पांच करोड़ का नहीं था, उसके अंदर सौ दो सौ पांच सौ करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास हो रहा है। बताइए लाल डायरी आपको मुंह, हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा गुड़ा मेरी मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कोस्ट पे निकाल ला। और मैं गया, मेरे साथ दो लोग और भी थे, वो मना कर देंगे अभी, आप सबको पता है रामलाल जी भी थे वहाँ, लाठीचार्ज भी हुआ वहाँ, वो धीरज गुजर भी था लाठी में, धीरज गुजर ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में, उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर नौवीं मंजिल और आठवीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। उनकी आवाज पर था गेट में थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाले थे। सीजर तोड़ा आपने? सीजर तोड़ा था।